नॉमिनेशंस में निमरत के सेफ होने पर साजिद खान ने उठाया बड़ा कदम, छोड़ दी अपनी मंडली। पड़ गई कुछ इस तरह से मंडली में फूट, जिसकी वजह से शिव ठाकरे भी हुए बेहद परेशान। जी हाँ, बिग बॉस का गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे धीरे, और अब बहुत सारी जंग जो है वो शुरू हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं बिग बॉस के घर में। वेल, आप सबको तो पता ही है कि निमरत और साजिद के बीच कितना अच्छा रिश्ता हुआ करता था, लेकिन गेम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये रिश्ता अब ज्यादा कड़वाहट में आ चुका है। वेल, अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से निमरत के सेफ होने पर भड़क गए हैं साजिद खान। वेल, साजिद निमरत को अपनी छोटी बहन बोलते हैं और घर में हमेशा दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन अब बिग बॉस के गेम की वजह से साजिद और निमरत का रिश्ता भी खराब हो चुका है, जिसकी झलक अब आपको देखने को मिलने वाली है। वेल, अब एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है और ये सब कुछ नॉमिनेशन टास्क की वजह से हुआ, जिसमें सौंदर्या ने निमरत को सेव कर दिया है। जी हाँ, सौंदर्या ने निमरत को सेव कर दिया है, जिसकी वजह से साजिद खान जो है वो बहुत परेशान हो गए हैं और साजिद खान पर घर से बेघर होने की तलवार जो है वो बुरी तरीके से लटक रही है, जिसकी वजह से बौखला गए हैं साजिद, और यहाँ से वो फोर्थ गियर में आ चुके हैं। उन्होंने एक तरीके से धमकी दे दी है यहाँ पर उनकी इस चीज़ को लेकर। ये सारा जो भी उन्होंने किया है, इतने गुस्से में है, इसे देखकर शिव भी काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो रहे हैं। वेल, ये मंडली जो है वो इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन अब मंडली में पूरी तरीके से जो फूट है वो पड़ चुकी है। इस फूट की वजह से अब जो है काफ़ी ज़्यादा गेम बदलता हुआ नज़र आएगा आप सबको आगे चलकर। वेल, यहाँ पर जो शिव है वो ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, तो वहीं पर जो सुम्बुल है वो भी यहाँ बैठी हुई हैं। निमरत जो है वो यही कह रही हैं कि सर ऐसा क्यों आप हैं, आप क्यों नाराज़ हैं मुझसे, जिसके बाद जो साजिद है वो कहते हैं क्योंकि तू सेफ हो गई है, और फिर वो बहुत ही एग्रेसिव मोड में नज़र आते हैं और फिर वो मंडली के बारे में बोलते नज़र आते हैं कि अब मेरा फोर्थ गियर स्टार्ट होगा, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते हैं, टॉन्ट वाली जो मुस्कुराहट है वो देखने को मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर निमरत को वो ताना मारते हुए कहते हैं बधाई हो, आप सेफ हो गई है। इसके आगे साजिद कहते हैं अब यहाँ पर मंडली में डिसबैलेंस हो गई है और ये हाई टाइम है जब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ ही साजिद खान एक बड़ी बात बोलते हैं और वो कहते हैं अगली बार जब मैं अंकित को सेफ करूँगा तो मुझ पर अब सवाल मत उठाना, यानी कि अब साजिद जो है वो कुछ अजीब गरीब चीज़ें करने वाले हैं। वो कहते नज़र आते हैं जागो ग्राहक जागो। तो इस तरह से ये जो सिचुएशन हुई है इसे देखकर निमरत भी हैरान है और साथ ही साथ शिव भी। आपको पता ही है कि शिव जो है वो साजिद को कितना ज़्यादा मानते हैं, लेकिन अब यहाँ मंडली के बीच जो इशूज़ चल गए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वहीं पर साजिद की बात से निमरत भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। वो कहती है मैंने सौंदर्या को बचाने के लिए नहीं कहा था, हम दोनों में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। साजिद खान और निमरत की इस बहस के दौरान शिव ठाकरे और एमसी स्टैन एकदम शॉक्ड रहते हैं, दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। फिलहाल ये फूट जो है वो पूरी तरीके से पड़ चुकी है, जिसे लेकर फैंस का क्या कहना है ये भी आप देख सकते हैं। फैंस जो हैं इस फूट पर क्या कह रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। वेल, आप सबका क्या कहना है, कैसे बदलेगा मंडली में फूट की वजह से ये सारा गेम, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बिग बॉस के लेटेस्ट अपडेट के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।